In a distressing plea for help, a group of young men from Punjab and Haryana has come forward, claiming they were deceived into military service in Russia and coerced into fighting in Moscow's war on Ukraine. In a video circulating on social media, these men are seen clad in military attire, standing in a cramped and dilapidated room, expressing their dire situation. Harsh, hailing from Haryana's Karnal, recounts their ordeal, revealing how they were lured into Belarus without proper visas and subsequently abandoned by an agent. Harsh's family shares the anguish of his predicament, narrating how he was ensnared into military training after being threatened by Russian authorities. Gurpreet Singh's family echoes similar sentiments, emphasizing the coercion faced by these young men to join the Russian army or face imprisonment. Belarus, a close ally of Russia, has been implicated in facilitating their requirement, raising concerns about its role in the conflict between Russia and Ukraine. With reports emerging of Indians facing similar distressing situations, the government pledges to work towards their safe return, urging all citizens to steer clear of the conflict zone. As the plight of these young men unfolds, their desperate appeal reverberates, calling for immediate intervention to ensure their safe return home. Namaskar, hum sab saathi Russia ghumne ke liye aaye the nove saal par. और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीजे की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेकर चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा, मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे, उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया, वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है, हमारे साथ और भी साथी थे, और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं, हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती, और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। हमारी इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से आशा है कि हमें सबको यहाँ